में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया, जहां उन्होंने ममता को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है ये बात कही। साथ ही टीएमसी के गुंडे कानून को नहीं मानते, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही। साथ ही कहा कि राहुल गांधी भी अब मंदिर जाने लगे हैं, मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास है, 45 दिन बाद टीएमसी की विदाई तय है। बता दें कि 27 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में, और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिम बंगाल दौरा, हालांकि पहली मर्तबा नहीं है जब वे चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बंगाल में गुंडागर्दी को लेकर भी संबोधन में बात रखी है। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी अब और नहीं होगी, हम वैचारिक मंच पर जीत चुके हैं, अब ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, बंगाल में गौ तस्करी होती है। इन तमाम मुद्दों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात पश्चिम बंगाल की धरती पर रखी। ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से लेकर राहुल गांधी तक सभी पर निशाना साधा सीएम योगी ने। साथ ही ये भी कह दिया कि टीएमसी की 45 दिनों में विदाई तय है। तो जहां उस घटना का जिक्र भी किया है जब जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी चिढ़ गई थी, एक सरकारी कार्यक्रम में वे पहुंची थी मंच पर, जैसे ही भाषण देने पहुंची जय श्री राम के नारे लगे तो वे बिना भाषण दिए मंच से उतर गई। इस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ममता को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। साथ ही टीएमसी की गुंडागर्दी का जिक्र भी किया है, कहा कि ये गुंडागर्दी और नहीं चलेगी और महज कुछ ही दिनों की ये सरकार बची है, तीसरा टर्म जहां ममता बनर्जी अपना चाह रही हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। पुरुलिया में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन रहा, स्टार प्रचारकों की सूची में जहां शीर्ष स्थानों पर रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनकी वाक शैली के यहां न सिर्फ हिंदी पट्टी में लोग मुरीद हैं बल्कि पश्चिम बंगाल और कई साउथ के राज्यों में भी उनके प्रचार में संबोधन की डिमांड रहती है।